छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा में मंडियों में धान राम भरोसे है। अगर बारिश हो जाती है तो धान खराब भी हो सकता है। आपको बता दें कि गोरेला पेंड्रा में 17 धान खरीद केंद्रों में लगभग 1,08,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक राइस मिलरों के अनुबंध नहीं कराए गए हैं, जिससे धान खरीदी केंद्रों में धान का भंडारण हो चुका है। धान खरीदी केंद्रों में डीओ ना कटने से धान का उठाव नहीं हो रहा है। मौसम बदल रहा है, अगर बारिश होती है तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जल्द से जल्द राइस मिलों से अनुबंध कर धान का उठाव प्रारंभ हो जाएगा, एवं अगर बारिश होती है तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं जिससे धान खराब ना हो। गोरेला पेंड्रा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हेमराज साहू, प्रबंधक। यहाँ पे धान इतनी इकट्ठी हो गई है, इसका उठाव क्यों नहीं हो रहा है? अब मिलर्स द्वारा डीओ काटना है डीमो साहब। अच्छा, और अभी तक बफर लिमिट से अपन 4,500 क्विंटल हो गया है। अच्छा, और लगभग 700 क्विंटल एक्स्ट्रा हो गया है, और डीओ काटने दिक्कत जा रहा है हम लोगों को भंडारण करने में। अच्छा, और डीओ कटे तो जल्दी पर नहीं, तो डीओ क्यों नहीं कट पा रहा है, क्या वजह है? अब ये डीमो साहब ही बता पाएंगे इसके बारे में। मौसम भी खराब हो रहा है, मौसम भी खराब है, और अगर पानी आता है नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अब वो तो अब अपने को व्यवस्था करना पड़ेगा, फिलहाल हमारे जब ये है तब तक। अच्छा अच्छा, लेकिन जी जी, मतलब कुल मिला के डीओ ना कटने के कारण धान इकट्ठी हो रही है। जी जी जी, है ना? जी जी, थैंक यू। सर, जिले में कितनी धान खरीदी हो चुकी है अभी तक? जिले में अपने 17 उपार्जन केंद्रों में सभी जगह धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है, और अभी तक कुल मिलाकर के 1,08,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। सर, धान संग्रहण केंद्र में धान तो इकट्ठी हो गई है, लेकिन उठाव नहीं हो पा रहा है। शीघ्र ही उसका सारे राइस मिलर्स का हम डीओ जारी करने वाले हैं, और जैसे डीओ जारी होता है तो अनुबंध के बाद में फिर उनका धान उठाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी मिलर से अनुबंध भी नहीं हो पाया क्या? नहीं, अनुबंध अभी नहीं हो पाया। सर, मौसम खराब हो रहा है, और अगर पानी आता है, धान खराब होती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सर, धान के सुरक्षा के लिए जो है पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उपार्जन केंद्रों में पॉलीथीन वगैरह है, सब स्टेशन ढाके गए हुए हैं, तो ऐसी संभावना नहीं बनती कि धान खराब होगा। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.